अब पाकिस्तान का तालिब इल्म उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक उसके हकूक उसको दिए नहीं जाएंगे। और मैं दस बदस्ता शफकत महमूद साहब से अपील करूंगा कि हमें सुने, हम इस रियासत के और इस मुल्क के सगे हैं और ये 48 लाख तलवा हमें शौक नहीं है। हमने पहले भी कुछ मुतालबात मनवाए हैं और हमें शौक नहीं है निकलने का, लेकिन मैं ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे वही मानी जाएगी जो जमहूरियत बात होगी। यहाँ पे हुकूमत भी उसी की आती है जो 200-150 सीट लेता है, लेकिन यहाँ पे तलबा के साथ ज्यादती सिर्फ वो 5 लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में भी अपनी नहीं बनती। पर उनको कहते हैं इनके हालात मंसूख किए जाए, तो इनको कहता है वक्त दिया जाए, लेकिन दो वजीर ऐसे हैं माशाल्लाह मुराद राज साहब और शफकत महमूद साहब जो तलबा के साथ पता नहीं कौन सा जिद लगा के बैठे हैं। हमें ये नहीं पता हमें भी बुलाया जाए। मैं आज मीडिया के तवज्जो से मीडिया को बताता चलूं कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक बंदा बैठा है हमारे सामने, हम दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, अगर हमारे मामला वहाँ पे आपके सामने खुल के ना आए तो जो सजा होगी तलबा कभी दोबारा अपना हक मांगने ना सड़कों पे आएंगे ना कोई और मुजाहरा करेंगे। हम मीडिया के तवज्जो से मीडिया के लोगों से गुजारिश करते हैं हमें बुलाएं, शफकत साहब भी किसी टीवी के मेंबर को बुला लें, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो तलबा के सामने नहीं आ सकते माशाल्लाह, वो तो ये मुल्क तो उनकी जागीर है, वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके कुछ लोग आ जाए हमारे सामने, वो हमारे साथ बैठे अपनी पॉलिसी बातें करें। हम आपको अपने मुतालबात बताते हैं, हम फैक्ट पे बात करना चाहते हैं, हम कोरोना की आड़ नहीं लेना चाहते। हमने आज तक ये नारा नहीं लगाया कि कोरोना की वजह से हमारे पेपर खराब किए जाए, कोरोना की वजह से हमें वक्त दिया जाए, नहीं तुमने पढ़ाई का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है जो 73 साल की तारीख में हमें ये देखने को नहीं मिलता। लोगों ने इस दो सालों में तालीम के साथ जिन्होंने बेड़ा गर्क किया तालीम का, यार आप लोगों ने 1.5 साल गुजारा है, कोई उन बच्चों का ख्याल करें जो लोग, मैं आपको एक हकीकत बात बताता चलूँ कि शफकत साहब ने जो एक ये फैसला लिया है वो समझ ये रहे हैं कि 70% जो पाकिस्तान का तालिबे इल्म है वो जाता ही सिर्फ साइंसेज में है। जो फैक्ट है जो आप इसकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इदारों की रिपोर्ट्स हैं, उसमें लिखा गया है वाज़ेह तौर पे कि सिर्फ उस हवाले से मज़ीद कोई तफसीलात आती हैं, कोई भी न्यूज़ आती है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से, कैंसिल प्रमोशन इसके हवाले से, तो आप को सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएगा। और आपकी राय क्या है, आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या आपको प्रमोट कर दिया जाए, या आप क्या राय रखते हैं किस तरह से एग्ज़ाम्स होने चाहिए, कौन से SOPs के साथ एग्ज़ाम्स होने चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दें। आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। आप जो हैं वो स्टूडेंट्स, आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के हक में हैं, एग्ज़ाम्स में जो चाहते हैं एग्ज़ाम्स हों और जो चाहते हैं एग्ज़ाम्स ना हों, तो आप सब अपनी जो है वो राय दें, मेजोरिटी की राय जो है वो मानी जाती है, तो इस हवाले से आप अपनी राय ज़रूर दें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चल सके। यहाँ पर फॉलो ज़रूर करेंगे फेसबुक का पेज, यहाँ पर इमेज भी देख लें और यूज़र नेम भी देख लें, यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। इसके अलावा वेबसाइट भी है हमारी, यहाँ पर ARKUSTAD.com, इस पर भी आपको अपडेट्स इसकी मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान।